कि हम जिस सरकार को मदद कर रहे हैं, कहते हैं जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काट खाने को। मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घरों में नमाज पढ़ेंगे, कुर्बानी बहुत कम होगी, कम बहुत कम जानवरों की होगी, लेकिन बकरा आएगा नहीं तो कैसे कुर्बानी होगी। लेकिन आपने तो गजब कर दिया साहब, 10 आमदार मंत्री अबू हशीम आजमी से लेकर, नवाब मलिक से लेकर, नसीम खान से लेकर, ये सारे जो लोग और जितने नसीम बाबा सिद्दीकी का बेटा उनसे लेकर, और सबसे बड़ी बात उसमें एक मुफ्ती, ये 100% फेलियर हो गए। मैं समझता हूँ इन लोगों को तो मंत्री पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। ये अगर ऑनलाइन बकरा बेच सकते तो और बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन, नमाज भी ऑनलाइन पढ़ो बोलेंगे। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर तमाम तरह की बातों के साथ साथ विधायकों मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं। उधर बॉर्डर पर बकरे मर रही हैं और इधर महाराष्ट्र में सरकार चुप है। जैसे कि मैंने कहा, तमाम तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो पहले तो ये, जब सरकार को बकरे महाराष्ट्र में नहीं लाने देने का था तो सरकार ने ऑनलाइन बकरे खरीदने की बात क्यों कही, पहले ही इस पर रोक क्यों नहीं लगाई, या फिर सरकार को ये बात पहले कहना था कि ऑनलाइन बकरे सिर्फ महाराष्ट्र से ही खरीदे जा सकते हैं, ताकि लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य जगहों से बकरे नहीं खरीदते। दूसरी बात, लोगों ने जो बुकिंग किया है ऑनलाइन, उनके बुकिंग पर पानी फिर गया। ये मेरे नहीं, ये जनता का सवाल है। उद्धव ठाकरे जी, तीसरी बात, उन किसानों का, उन खटिक समाज का क्या होगा जिन्होंने सालों साल बकरे पाले और सपने देखे, जो उनके सपने महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बिखर गए। चौथी बात, कुर्बानी की बकरों को खरीदने के लिए इस्लाम में कुछ नियम हैं, उस नियम के साथ साथ बकरे खरीदे जाते हैं, और महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज आपके नए गाइडलाइन का इंतजार कर रही है। आखिर उद्धव सरकार कुछ बदलाव करे, उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं, यानी 2 दिन बाकी है। अबू हाशिम आजमी की हम बात आगे करेंगे, अबू हाशिम आजमी ने इस पूरे मामले में क्या क्या कहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है एक महिला की जो MIM के कार्यकर्ता है। उन्हें पता चला सरकार बकरों की गाड़ियां महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक रही है, 3 FIR भी दर्ज किए गए हैं और 111 बकरों को गिरफ्तार भी किया गया है, और सैकड़ों बकरे बॉर्डर पर ही मर गए हैं, यानी मर चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस बॉर्डर पर 111 जो है बकरों को गिरफ्तार करती है और BMC के पशु टीम को दे देती है। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए ये महिला बॉर्डर पर धरने पर बैठी है, सैकड़ों बकरों की गाड़ियां छोड़ी जाए, जिसकी मांग सरकार से कर रही है। अब हम बात करते हैं अबू हाशिम आजमी की। पिछले कई दिनों से कोशिश में लगे थे, मगर सरकार को मना नहीं पाए और फिर हार के एक वीडियो जारी किया है। सुनिए इस वीडियो को। ईद-उल-ज़ुहा बकरीद के त्यौहार को सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अगरचे महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी सरकार, जो श्री उद्धव जी के नेतृत्व में चल रही है, अगर यह फैसला कर देती कि भाई मुसलमानों, तुम्हें बकरीद में कुर्बानी करने का कोई हक नहीं है, एक भी बकरे हम शहर में नहीं आने देंगे, तो लोगों का इतना करोड़ों का नुकसान नहीं होता, उनके बकरे मरते नहीं। एक तरफ कह दिया सरकार ने कि ऑनलाइन बकरे खरीदो, अब ऑनलाइन बकरे तो खरीदेंगे तो लाएंगे कि ले लाएंगे शहर के अंदर, शहर में कोई मार्केट नहीं लगेगी, तो लोग लाएंगे तो कैसे लाएंगे, गाड़ी से लाएंगे। अब एक आदमी अगर बकरा खरीद रहा है नासिक के अंदर, एक आदमी कहीं खरीद रहा है, दो दो बकरे खरीद लिया, 20 आदमी ने 40 बकरे हो गए, और वो ट्रक पे टेम्पो में ला रहे हैं, तो पुलिस उनको मार रही है, उनके केस कर रही है, और हजारों बकरे लाइन में खड़े मर गए नाकों के ऊपर, गुजरात के बॉर्डर पे, महाराष्ट्र में एंट्री के बाद बकरे मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, और देख लीजिए उद्धव जी, कुछ लोग खुदकशी भी करेंगे। किसानों के साथ, मुसलमानों के साथ आपने जुल्म किया है। आपने कह दिया कि हाँ कुर्बानी होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं, तो कैसे होगी, जानवर नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस सरकार को मदद कर रहे हैं, कहते हैं जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काट खाने को। हम हर बात पे तैयार हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग पूरी होगी, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घरों में नमाज पढ़ेंगे, कुर्बानी बहुत कम होगी, कम बहुत कम जानवरों की होगी,
और आपने हर बात को एग्री किया, आपने कहा कुर्बानी होगी और सब लोग कुर्बानी अपने अपने घरों में करो, अपने इलाके में करो, लेकिन बकरा आएगा नहीं तो कैसे कुर्बानी होगी? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं बहुत दुखी हूं आज, कोई सुनने वाला नहीं। आठ आठ मंत्री जाकर के उद्धव जी से बात कर रहे हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं, और पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया, लोगों को मार रहे हैं, लोगों की बद्दुआ लग जाएगी। आज जो हालात देश के हैं, लोग परेशान हैं, लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे यहां से जमा करके, किसानों ने बड़ी मेहनत से बकरे पाले थे कि बकरी आएगी तो हम जाके बेचेंगे और मेरी बेटी की शादी करेंगे, बच्चे को की फीस देंगे, बाप का इलाज करेंगे, और आपने सब की उम्मीद पर पूरा का पूरा पानी फिरा दिया। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं बहुत दुखी हूं आज। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैंने नंबर नहीं दिया कि मैं मदद करूंगा, किसी ने ऐसे हमारा बिना पूछे नंबर डाल दिया, मैं मदद करने को 24 घंटे तैयार हूं, लेकिन जब सरकार का कानून ये हो जाएगा कि बकरे आने नहीं देंगे तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं? हाँ, मदद उस वक्त हो सकती थी कि सरकार कहती नहीं बकरे आने दो और पुलिस रोकती, कोई आरएसएस का कोई मजंदा का रोकता तो मैं आपकी मदद करने आता। मैं क्या करूं, मैं तीन दिनों से मैं शायद सोया भी नहीं हूं कायदे से, मुझे एक एक मिनट में एक फोन आता है और मैं लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भाई मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम मजबूर हैं, हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं। इवन उद्धव साहब, मैं आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कुर्बानी का परमिशन दिया है, सिर्फ ऐसे जानवर जो मना है, गाय हो, बैल हो, बछड़े, इस सब पे कुर्बानी को छोड़ करके सब लोग कुर्बानी करो, गोश्त को छुपा कर ले जाओ, ले आओ। लेकिन आपने तो गजब कर दिया सर। तो आपने सुना, अबू आसिम आजमी सरकार को मनाने की पूरी कोशिश की मगर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उधर हाजी अरफात 10 विधायक मंत्रियों पर तंज कस रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार को मना नहीं पाए, और यही वजह है कि तीखा प्रहार कर रहे हैं हाजी अरफात। सत्ता पक्ष में रहते हुए सरकार को मनाने नहीं आया। बहरहाल सरकार इस पर कुछ ठोस फैसला लेना चाहिए। कोरोना महामारी ये तो सभी को पता है, हर कोई इसका पालन किया है। इस महामारी को देखते हुए सरकार कुछ नई गाइडलाइन तैयार करे ताकि ये जो व्यापारी हैं, ये जो खटिक समाज हैं, जिनके सालों की मेहनत जो बॉर्डर पर पानी फिर गया है, इनकी गाड़ियां रोकी गई है, तो शायद इनको कुछ राहत मिल सके। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।